हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मतलब स्वस्थ होंगे और अपने घर वालों को भी स्वस्थ रख रहे होंगे। तो देखिए, इस जो आपका चैप्टर चल रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका एक लास्ट टॉपिक रह गया है वैक्यूल्स, और इसको आज हम ओवर कर देंगे इस टॉपिक को, ठीक है। और फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं अलग से क्लास बना दूंगा। अगर आप लोगों से एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए यहाँ वैक्यूल्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक आइडिया आपको पहले से ही होगा कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएंगे जैसा कि मैं आपको अभी तक पढ़ाता हुआ आया हूँ। और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखो बच्चों, वैक्यूल क्या होता है और किस किस के अंदर कैसा कैसा वैक्यूल मिलता है, किस किस से मेरा मतलब है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो एक तरफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल बना देता हूँ एक तरफ, ठीक है। इजी वाला डायग्राम लेंगे प्लांट सेल का, ठीक है। यहाँ मैंने ये इसकी सेल वॉल बना दी है, आप चाहो तो यहाँ पर स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो एकदम अच्छे से यहाँ पे ड्राइंग करना चाहूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसकी ये बना दी है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक प्लांट सेल ली है मैंने एक तरफ, और यहाँ मैंने इसकी सेल मेम्ब्रेन बना दी है, ठीक है। और एक तरफ मैं यहाँ ले रहा हूँ एनिमल सेल, और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, ये बात आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एक तरफ मैंने यहाँ ले ली है एनिमल सेल, न्यूक्लियस ले लेते हैं भाई, कंट्रोलर है सेल का, उसको कैसे बोल सकते हैं। तो मैंने न्यूक्लियस ले लिया है इसका, इधर ब्लू कलर से मैंने न्यूक्लियस दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वैक्यूल की। और वैक्यूल जो होता है आपके प्लांट सेल में, वो बहुत बड़े साइज का होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़े साइज का होता है। अच्छा, मैंने हेडिंग डाल देता हूँ, कहीं कह रहे हैं सर हेडिंग तो डाली नहीं आपने, ठीक है। तो वैक्यूल पढ़ रहे हैं, तो देखिए भाई वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल एक ना एम्प्टी स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है सेल के अंदर, और ये कवर्ड होता है, ठीक है। एक कवरिंग भी होती है इसकी। वैक्यूल नॉर्मली स्टोरेज, या तो कूड़ा कचरा अपने अंदर स्टोर करेगा प्लांट का, एनिमल का, ठीक है, कुछ भी चीज कैरी करता है, वेस्ट को मेनली कैरी करता है ये, किसी के अंदर गैस को भी फिल होती है किसी के अंदर, ठीक है। तो एक एक करके सब बात करेंगे हम, आप देखते रहिए बस, ठीक है। तो वैक्यूल क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस होता है, और प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े साइज का होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये छोटे साइज के मिलते हैं, ठीक है, और मैनी मिलते हैं। तो अगर एनिमल सेल की बात आए कि एनिमल सेल के वैक्यूल और प्लांट सेल के वैक्यूल में क्या डिफरेंस है, तो एनिमल सेल के अंदर पहली बात तो ये मैनी इन नंबर मिलते हैं, ठीक है, मैनी इन नंबर, और प्लांट सेल के अंदर ये सिर्फ 1 इन नंबर मिलते हैं, ठीक है, 1 इन नंबर। प्लांट सेल के वैक्यूल का साइज लार्ज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज साइज होता है। एनिमल सेल के वैक्यूल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, आप देख सकते हो स्मॉल साइज, ठीक है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, याद रखना। टोनोप्लास्ट क्या है, व्हाट इज टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है लगभग 70-90% एरिया या फिर वॉल्यूम कंज्यूम कर सकता है सेल का, ठीक है, जबकि एनिमल के केस में
जस्ट 10%, 10 to 15% ही कैरी करता है, 10 ही मान लीजिए आप, ठीक है, अप्रोक्स 10% वॉल्यूम कवर करता है एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल जो है सेंट्रल होता है, बीच में होता है, आप देख सकते हो एकदम सेंटर में है, जबकि एनिमल सेल में ये सेंटर में प्लेस नहीं होता है, ठीक है। अब क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि नॉर्मली जो वैक्यूल होते हैं वो साइड में होने चाहिए, नॉर्मली न्यूक्लियस सेंटर में मिलना चाहिए, न्यूक्लियस कहां मिलना चाहिए, सेंटर में, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में क्योंकि वैक्यूल बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, तो इसी वजह से इनका जो न्यूक्लियस है वो साइड में खिसक जाता है या फिर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंटर में तो नहीं होगा। तो ये सब बेसिक बेसिक डिफरेंस तो जो आपको बताने थे, ठीक है। और बात करते हैं वैक्यूल के टाइप्स की, मैं आपको पढ़ा देता हूँ वैक्यूल के टाइप्स, ठीक है, यहाँ साइड में बता देता हूँ वैक्यूल के टाइप्स। तो देखो भाई वैक्यूल के टाइप्स होते हैं, ठीक है, वैक्यूल के कुछ टाइप्स होते हैं, फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल होता है, सैप वैक्यूल होता है, ठीक है, सैप वैक्यूल होता है। सैप वैक्यूल क्या स्टोर करेगा, कोई भी गंदगी, ठीक है, प्लांट का जो वैक्यूल होता है नॉर्मली वो सैप वैक्यूल होता है, ये कोई भी वेस्ट मटेरियल वगैरह स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। गैस वैक्यूल नाम से पता चल रहा है, गैस को स्टोर करेगा, फूड वैक्यूल फूड को स्टोर करेगा अपने अंदर, ठीक है, फूड को रखेगा। प्लांट सेल के अंदर एक बात और याद रखना, प्लांट सेल का जो वैक्यूल है ये प्लांट को प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी, प्लांट को ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर प्लांट की कोई भी सेल टर्जिड है, टर्जिड सेल क्या होते हैं मैंने आपको बताया था जब मैं आपको आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बता रहा था, ठीक है। तो प्लांट्स को जो टर्जिड नेचर है या फिर जो भी इसका रिजिड नेचर है, ठोस जो नेचर है, उसमें कहीं ना कहीं वैक्यूल का रोल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया और जो इसको सेल को सख्त बनाता है, देखो एक तो सेल वॉल तो बनाता ही, लेकिन अंदर की अगर मैं बात करूं जो उसके साइज को अंदर से एकदम सख्त बना के रखता है, तो उसके पीछे रोल होता है आपके वैक्यूल का। और देखो एनसीईआरटी लाइन भी है, प्लांट सेल वैक्यूल इज फुल ऑफ सैप, तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल उसके अंदर क्या होता है, सैप होता है, ठीक है, सैप, सैप खाली जगह बोल सकते हो, फिर कचरा होता है, ठीक है, जिसके अंदर सेल सैप होता है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ लिख दी है, एनसीईआरटी में भी यही लाइन लिख रही है आपकी। और फूड वैक्यूल के बारे में और थोड़ा सा बता रखा है कि फूड वैक्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, फूड वैक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, फूड वैक्यूल किसके अंदर देखने को मिलेगा, फूड वैक्यूल देखने को मिलेगा अमीबा के अंदर। अमीबा कैसे करता है फूड वैक्यूल, देखो अमीबा अपना फूड कैसे लेता है अंदर, तो आप जानते होंगे अमीबा पहले क्या करता है, सूडोपोडिया की मदद से किसी भी फूड पार्टिकल के चारों तरफ आ जाएगा, ठीक है, सूडोपोडिया की मदद से इस तरह से आ जाएगा, और फिर कुछ टाइम बाद इस फूड को अपने अंदर ले लेगा, और फिर जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी उसको हम फूड वैक्यूल बोलेंगे। हाँ जी, अब ड्रॉइंग दिख लीजिए उसकी, कोई बात नहीं, पहले ये कंडीशन फिर ये, ठीक है, फूड दिखा देते हैं, मान चलिए कोई फूड पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है इसके पास में, ठीक है, और फिर सूडोपोडिया की मदद से, ठीक है, इसने इस फूड को अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा है, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फूड को अपने अंदर ले चुका होगा, ठीक है, इस तरह से। और अब जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है यहाँ पर, जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हुई है, इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल, ठीक है। तो फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, और मैंने दिखा दिया आपको विद डायग्राम कि कैसे कैसे फूड वैक्यूल दिखेगा अमीबा के अंदर, और मैं इसका न्यूक्लियस बना देता हूँ, ठीक है, न्यूक्लियस बना देता हूँ, क्लियर है। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ओवर हो जाता है, बहुत ही, और आपका चैप्टर भी ओवर हो जाता है,
और आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं होता है वो आप मेरे से पूछेंगे और मैं उसकी क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है? खत्म करते हैं क्लास।